तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2019 को देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है जिसको एस्प्रेसो नाम दिया गया है, जिसको मिनी या माइक्रो एसयूवी भी कहा जा रहा है। एस्प्रेसो को एक दमदार लुक और शानदार फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में उतारा गया है, जिसकी कीमत की शुरुआत लगभग 3,70,000 रुपए एक्स शोरूम से की गई है। तो यदि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में रह रहे हैं और मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के स्टैंडर्ड वेरिएंट जिसकी कीमत लगभग 3,70,000 रुपए रखी गई है उसको खरीदने के बारे में यदि आपका विचार है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेरिएंट, गौर फरमाइएगा, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको वो कोई भी फीचर्स, लगभग कोई भी फीचर्स नहीं दिए जा रहे हैं जिसकी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो में देने की बात कर रही है। अब मैंने बड़े शहर के लोगों को टारगेट क्यों किया है और मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के इस स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको वो कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे और कौन कौन से नहीं, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो कहीं भी जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल, स्वागत है आप सभी का दयाने शो में। तो दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाई। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के बेसिक फीचर्स के बारे में जो आपको सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इसकी डायमेंशंस के बारे में। तो यह कार 3,565 mm लंबी, 1,520 mm चौड़ी और 1,549 mm ऊंची है, जिसमें लगा है मारुति सुजुकी ऑल्टो का 1000cc वाला 3-सिलेंडर K10 पेट्रोल इंजन जो लगभग 68 PS की पावर और 90 Nm की टॉर्क प्रदान करती है। और मारुति सुजुकी के मुताबिक एस्प्रेसो में आपको 1 लीटर में लगभग 21 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। बात करें इंटीरियर्स के बारे में तो इस कार में 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। डैशबोर्ड पर नजर डालेंगे तो यह कार थोड़ी बहुत मिनी कूपर की झलक दिखलाती है। इसके अलावा आपको 270 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है जिसमें आप 2 से 3 सूटकेस आराम से रख सकते हैं। ओवरऑल इसके लुक के बारे में बात करें तो यह विटारा ब्रेजा से बहुत हद तक इंस्पायर्ड है और साइड में देखने से यह थोड़ी बॉक्सी या डब्बे जैसी लगती है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कम इम्प्रेसिव लगता है। कुल मिलाकर इतनी कम कीमत में आपको एक डिसेंट लुक वाली मिनी एसयूवी मिल रही है जो कि काबिले तारीफ है। अब दोस्तों बात करते हैं एस्प्रेसो के स्टैंडर्ड वेरिएंट के फीचर्स के बारे में। दोस्तों इसमें आपको मिल रहा है ट्रिप कंप्यूटर, इमोबिलाइजर प्लस रिमोट से खुलने वाले बूट और फ्यूल कैप, केवल 1 एयरबैग जो ड्राइवर साइड में फिट है और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं उन फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों बेशक इस वेरिएंट में आपको ट्रिप कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा, लेकिन टैकोमीटर नहीं दिया गया है। अब दोस्तों ये ट्रिप कंप्यूटर और टैकोमीटर क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इसकी क्या अहमियत है, इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा इसमें पावर विंडोज, फोल्डिंग रेयर सीट्स, स्टीयरिंग कंट्रोल, MP3, USB, ऑक्स या ऑक्सिलरी पोर्ट, कप होल्डर्स, पैसेंजर एयरबैग्स, सेंट्रल लॉकिंग और रिमोट लॉकिंग जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे बड़े शहर के लोगों को स्टैंडर्ड वेरिएंट वाला एस्प्रेसो नहीं लेना चाहिए, आइए हम उस पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इन सभी बड़े शहरों में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या होने के साथ साथ एक हेक्टिक सिचुएशन भी होती है। इसके अलावा गर्मी, उमस यानी ह्यूमिडिटी और प्रदूषण एक अलग कहर ढाती है। तो ऐसे भयंकर सिचुएशन से बचने के लिए कार में लगे AC आपको थोड़ी राहत जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन एस्प्रेसो के स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको AC की सुविधा नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भीड़ भाड़ वाली जगहों में हमें अपनी कार को बहुत ही ज्यादा दाएं बाएं कटाना पड़ता है, जिसको पावर स्टीयरिंग और भी ज्यादा स्मूथ और आसान बना देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश एस्प्रेसो के स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको पावर स्टीयरिंग भी नहीं मिलेगी। हालांकि बिना पावर स्टीयरिंग या मैनुअल स्टीयरिंग से यंगस्टर पर इसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनकी उम्र 45 से 50 साल से ज्यादा है और मैनुअल स्टीयरिंग वाली कार को रेगुलर बेसिस पर ड्राइव करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि उनके हाथ के ज्वाइंट्स यानी कोहनी और कंधों पर परमानेंट दर्द होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जो लोग कार पहली बार खरीद रहे हैं उनको तो यही लगेगा कि बस और ऑटो में भी तो AC नहीं होते हैं, वहां तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। तो भाई साहब, वहां की सिचुएशन जो है वो अलग होती है। वहां हम हद से ज्यादा आधे घंटे के लिए जर्नी करते हैं।
तो उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सजेशन देने जा रहा हूँ। आप क्या करें, आप ओला या उबर बुक कर लें जिसमें 100 या 200 का ही खर्च होगा। आप ड्राइवर को बोल देना कि मुझे इस भयंकर ट्रैफिक में बिना एसी के ले जाना, तब आपको पता चल जाएगा कि बिना एसी के क्या तकलीफ होता है। ये भी हो सकता है कि आपको एक बार में इतनी तकलीफ ना हो, तो मैं ये भी सजेशन देता हूँ कि आप हफ्ते में 2-3 बार राइड करके देख लें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप एसी वाले कार को ही प्रिविलेज दोगे। इसके अलावा कार में एसी होने के कारण विंडोज बंद होते हैं, जिसकी वजह से बाहर का प्रदूषण और शोर शराबा आपके कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके कार का एम्बियंस काफी शांत और स्वच्छ रहता है और आप अपने दोस्त साथी, परिवार वाले और गर्लफ्रेंड के साथ बड़े आराम से गप्पे लड़ा सकते हैं, जो कि विदाउट एसी कार में ये सब पॉसिबल नहीं है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि कार का एसी चलने से तेल बहुत ही ज्यादा जलता है। तो आपको भी यदि इस बात की चिंता है तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 100 किलोमीटर की राइड करते हो तो आपका केवल 50 या वर्स्ट केस में 100 रुपए से ज्यादा का तेल नहीं जलता है। और ये सब मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस के दम पर बोल रहा हूँ। बहरहाल एस्प्रेसो के स्टैंडर्ड वेरिएंट, जिसकी कीमत लगभग 3,70,000 रुपए के आसपास है, जो आपको 4.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगी, तो इतनी कीमत में तो दूसरी गाड़ियों में एसी के साथ साथ पावर स्टीयरिंग भी मिल जाता है। हाँ, मानता हूँ कि इसे मिनी एसयूवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन एसी तो आप जरूर दे सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, भले ही आप उसके जगह एबीएस या पावर स्टीयरिंग ना दो। सो फाइनली, अगर आप इस फेस्टिव सीजन में एस्प्रेसो लेने की सोच रहे हैं तो जरूर लें, क्योंकि इसका लुक डिसेंट है और इंजन इसमें ऑल्टो का K10 वाला लगा हुआ है, जिसको काफी ख्याति प्राप्त है। लेकिन अगर आप उन शहरों से बिलोंग करते हो जहां ट्रैफिक की समस्या बहुत ही ज्यादा है, तो आप इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट से जरूर बचें। उसके जगह आप LXi वेरिएंट ले सकते हैं, जिसमें आपको एसी और पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, जो आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट से लगभग 35,000 रुपए ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके काम आ सकेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।